वेलकम बैक दोस्तों एक और नए वीडियो में। तो हमारे गेम के अंदर फाइनली आ चुका है नियॉन बनी बंडल, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ब्लैक बनी बंडल। सही पकड़े हैं। जिसका हाइप गरीना ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत एक दो दिन पहले ही मचा के रखा था। तो फाइनली इस गेम के अंदर आ चुका है। तो आज हम यहाँ पे इस बंडल को निकालने को देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि किस इवेंट टाइप में आया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं। इसका नाम इन्होंने बनी अपग्रेड दिया है। आइए देखते हैं। ओके ठीक है, अब इवेंट के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं। कुछ भी हो लेकिन ये रिंग इवेंट तो हो ही नहीं सकता। जी ये रिंग इवेंट तो है ही नहीं, ये बनी अपग्रेड नाम दिया इन्होंने। तो बेसिकली इसका सीन क्या है, और ये थोड़ा 400 डायमंड इस बार किया है। तो ये है कि अगर आपके पास बनी बंडल पहले वाला नहीं है तो उसके लिए आपको पहले बनी बंडल निकालना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो उस ब्लैक बनी की तरफ। अगर जिसके पास पहले से ही है तो उसके लिए बहुत ईजी है, उसको डायरेक्ट अपग्रेड करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ तो नहीं ना नहीं बोल के आपके यहाँ से 4 से 5 हज़ार डायमंड फिक्स है, लगने ही है। अगर जिसके पास बनी बंडल है अपग्रेड करने में उतने लगेंगे, और जिसके पास नहीं है दोनों निकालने में आपके 10 से 12 हज़ार डायमंड चले जाएंगे इजीली। तो उससे मेरा क्या फायदा। तो ठीक है, अभी तो हमारे पास यहाँ पे 1000 डायमंड्स है, तो हम पहले उतना स्पेंड करेंगे, उसके बाद और ऐड करेंगे इस पे कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल इसका एस्टिमेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम अपना पहला स्पिन करते जो कि होने वाला है 400 डायमंड्स का। यहाँ पे हमें 11 स्पिन मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं हमारा पहला स्पिन इस इवेंट का एंड देखते हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने डायमंड्स लगते हैं एंड क्या हमारा लक अच्छा होता है या नहीं होता है। तो पहले 400 डायमंड में तो हमें कुछ नहीं मिला है यहाँ पे, मतलब मिला है बस बेसिक आइटम मिला है सारा। तो यहाँ पे दूसरा स्पिन में हमें शायद नहीं एक बैनर दिया है, अवतार दिया है, सॉरी बैनर भी नहीं है वो। A few inches later. तो अभी हमारे पास एक स्पिन करने लायक डायमंड बचा है। तो फाइनली यहाँ पे ये 0 डायमंड हो चुका और हमें एक गाड़ी की स्किन मिल चुकी है। तो कोई बात नहीं, ये सब अनलॉक होने के लिए हमें डायमंड्स चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा डायमंड्स ऐड करते इसमें और आगे का स्पिन हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 400 का स्पिन गया। देखते हैं यहाँ पे हमारा कितना डायमंड्स लगता है। तो ये कुछ नहीं मिला यहाँ पे भी हमें कुछ, और ये दूसरा स्पिन में भी हमें कुछ नहीं मिला है। शायद यहाँ पे मेरे और डायमंड्स जाने वाले हैं। ये यहाँ भाई एक फेस पेंट मिला है खाली। अब इसमें शायद एक ही 400 का स्पिन हो सकता है, और नहीं नहीं इसके बाद एक और मिलेगा। इसमें हमें बैनर मिला है। तो ये सिंगल स्पिन करते हैं, सॉरी सिंगल मतलब एक और स्पिन। कुछ नहीं मिला तो एक और डायमंड ऐड करके आते हैं। तो यहाँ पे और हम 2000 डायमंड्स ऐड करके आ गए। ये फाइनल है, इसके बाद निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर से वही रिपीटेड आइटम दिया है एंड इस स्पिन में भी हमें कुछ नहीं मिला है। भाई साहब क्या कर रहे हैं यार। मैं बोला था ना जिसके पास बनी बंडल है उसके भी यहाँ पे अच्छे खासे डायमंड लगने वाले हैं, और जिसके पास नहीं भी है आप सोचो, जब जिसके पास मेरे पास होते हुए भी मेरा इतने सारे डायमंड जा रहे हैं, सोचो जिसके पास नहीं है उसके कितने डायमंड जाएंगे यहाँ पे। जनता माफ़ नहीं करेगी, आप लोग बस अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम सोलो स्पिन करेंगे क्योंकि है नहीं अब, ये सोलो स्पिन को हम पूरा 0 तक लेके जाएंगे। पे एक स्पिन और कर सकते हैं हम, चलिए करते हैं। और फाइनली हमें मिल चुका है एक स्पिन करने के बाद। आग लगा दी। मज़ा आ गया। तो ठीक है, लगभग यहाँ पे मेरे पास 1000 2000 प्लस 2000, मतलब यहाँ पे मेरे 5500 के आसपास डायमंड्स लग गए हैं। तो चलते इसको लॉबी में देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो फटाक से चलते वॉल्ट सेक्शन में एंड हमारा जो बंडल है उससे देखते हैं। तो ये रहा बंडल सेक्शन का क्रेट्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्रेट्स है, जो हमारा बनी बंडल है ये रहा। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही सॉलिड दिख रहा है, इसका मैं गेम प्ले भी डालने वाला हूँ पूरे कलेक्शन के साथ जितने भी बनी बंडल्स आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।